सीता जी की एक भूल ने उन्हें इतने दुख और वियोग दिए। इसकी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते की इस तरह की बातों को सुनकर सीता जी अचंभित हो गईं। अपने होने वाले पति का नाम सुन करके उनको आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर उन तोतों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य में तुम क्या जानते हो हमारे बारे में और तुम्हें इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ है। तब उन पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां प्रतिदिन राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ थी और याद हो गई है। सीता जी के सवालों का जवाब देते रहे तोते के जोड़े। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूं। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी जानना है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। नर तोता ने सीता जी से विनती करना शुरू कर दिया। उस समय जब सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहां सारी सुख सुविधाओं का भोग करोगे। सीता जी की बातों को सुनकर तोतों का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम आकाश में स्वच्छंद विचरने वाले पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक भी न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते ने पत्नी के वियोग में भी अपने प्राण को त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो और चाहे ईश्वर हो, उसे अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ कर उठाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे कर्मों से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। यदि उसको कष्ट हो रहा है तो हम उसका प्रायश्चित कर लें, लेकिन जब तक हमें कहीं ऐसा न हो जाए कि जैसे उस तोते को छोड़ने के लिए सीता जी को बहुत देर हो गई थी और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, इसीलिए जीवन में हर कदम को सोच समझ करके उठाना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।